तो गुजरात चुनाव के जो रुझान आ रहे हैं उस पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विधानसभा चुनाव में विजय नहीं महाविजय मिली है। पीएम मोदी के प्रति विश्वास श्रद्धा का प्रकटीकरण है। जन जन के मन में यशस्वी मोदी की छवि बसी हुई है। ऐतिहासिक जीत दिलवाने के लिए गुजरात की जनता का आभार। राहुल गांधी पर सीएम शिवराज ने इस दौरान निशाना भी साधा कि ऐसा ना हो कि कहीं कांग्रेस जो यात्रा करना पड़े 20 के नीचे सिमट जाना कांग्रेस की स्थिति दिखाता है। दिग्विजय सिंह पर भी सीएम शिवराज ने तंज कसा कि ईवीएम को टारगेट करने का आरोप लगाने में दिग्विजय सिंह आगे। तो ये सारी बातें उन्होंने कही, खासतौर पर जनता का आभार जताते हुए नजर आए। राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, ऐसा ना हो बाद में उनको कांग्रेस खोजो यात्रा करनी पड़े। 20 के नीचे कांग्रेस का सिमट जाना अपने आप में कांग्रेस की स्थिति क्या है इसका प्रकटीकरण भी करता है। वो तो पहले से ही तैयारी कर लेते हैं। सबसे सॉफ्ट टारगेट अगर कोई उनका होता है हार के लिए तो वो ईवीएम ही होती है। खबर जबलपुर से है। गुजरात और हिमाचल चुनाव पर तरुण भरोट का बयान आया कि कांग्रेस पर भरोसा जताने के लिए हिमाचल की जनता को बधाई। गुजरात में बीजेपी की बी पार्टी बनकर आम आदमी पार्टी लड़ी तो उपचुनाव में बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली। ये कहना उनका, यूपी में लोगों ने योगी मॉडल को पसंद नहीं किया। भरोट कह रहे हैं इसी प्रकार से राजस्थान का उपचुनाव हो या छत्तीसगढ़ का उपचुनाव हो चाहे बिहार का उपचुनाव हो, सब में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हार रही है। तो एक परिवर्तन है। गुजरात की जनता ने जो चुना उसके लिए उसको साधुवाद, और पूरे हिंदुस्तान की जनता विभिन्न तरीके जगहों पर जो आज के चुनावों में चुन रही है उसके लिए उनको भी साधुवाद।